कटड़ा मुख्य बाजार में दुकानदारों ने रियासी जिला प्रशासन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मांग की कटड़ा में दुकान में खोले जाने की समय सीमा बढ़ाई जाए, बिजली बिल सहित बैंक के लिए ऋण में रखे ब्याज को माफ किया जाए। अप्रैल से स्टार्ट हो चुका था लॉकडाउन दोबारा से, उसके बाद में हम लोगों ने बहुत कोशिश की बैंक से बात करने की, बट बैंक वालों की कॉल्स हमें आती रही, हरासमेंट हमें होती रही। बैंक वालों का एक ही कहना है कि आप हमारे आपके अकाउंट्स एनपीए हो जाएंगे या आप लोगों को आप केसेस हो जाएंगे, आप लोगों के ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा। बट मेन प्रॉब्लम हमें ये आ रही है कि हम लोग इस टाइम पीरियड पे वो सिचुएशन पे खड़े हैं कि हम किसी को, हमारे पास में अपना घर चलाने के लिए इतनी सेविंग्स नहीं है कि हम अपना घर चलाएं या बैंक्स को अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करें। और गवर्नमेंट से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट हमें कोई अच्छा सा पैकेज दे दे या हमें कुछ अच्छे कोई और ज़्यादा कोई बड़ा पैकेज दे दे, एटलीस्ट हमें पैकेज ना दे, क्योंकि अगर हमें पैकेज देंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें दोबारा उनको पैसे वापस देने पड़ेंगे और विद इंटरेस्ट देंगे हम। अगर हमें गवर्नमेंट, लेट सपोज अगर गवर्नमेंट हमें 1000 रुपये देती है, वो हमें विद इंटरेस्ट हमसे वापस 1000 रुपये लेगी, बट एटलीस्ट हमें वो अगर वो नहीं देती है हमें उससे कोई फर्क नहीं है। बट हमारा जो ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है, जो हमारी हम इंटरेस्ट है, एटलीस्ट उसको तो रोक ले ताकि हम उसको रिवाइव कर पाए, हम जब उसके बाद बिजनेस स्टार्ट होगा दोबारा से हम उनको दे देंगे। बट बस इतनी सी हमारी रिक्वेस्ट है एलजी से, कि एलजी साहब से, कि हम लोगों का इसके मैटर के ऊपर देखें। और लॉकडाउन जितना, जैसे वीकेंड लॉकडाउन इस टाइम पीरियड पर चल रहा है, वीकेंड लॉकडाउन होता है सैटरडे और संडे, सैटरडे संडे के ऊपर में वीकेंड लॉकडाउन अगर आप कटरा पे लगा रहे हो तो वो सबसे बड़ा, मुझे सबसे बड़ा एक गलत पॉइंट लगता है, क्योंकि कटरा के अंदर अगर किसी भी मार्केट पर चले जाओ इन्हीं दो दिनों में, जिन दिनों में दुकानों में थोड़ा बहुत काम है, आप उन्हीं दिनों के ऊपर में अगर आप लॉकडाउन लगा देंगे तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। अगर आप लोग लॉकडाउन अगर आपको लगाना ही है तो एटलीस्ट हमें उतना टाइम तो दीजिए कि हम लोग अपनी दुकान चला सके। हफ्ते में 2 दिन दुकान खोल लेंगे और हफ्ते के बाकी के 5 दिन हम उसके साथ में उसको कवर अप नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा और हमारे लिए थोड़ा सा अगर जो हो सकती है वो गवर्नमेंट की तरफ से, हम वो चाहते हैं कि वो हमारे लिए करें। मेरा नाम राजेश, करना चाहता हूँ जैसे आपने यात्रा खोली है और दुकानें जो है यात्रा खोली है, तो हम चाहते हैं कि जो लॉकडाउन है वो भी हट जाना चाहिए, क्योंकि यात्रियों को बड़ी परेशानी हो रही है, खाने की परेशानी हो रही है, शॉपिंग करने की परेशानी हो रही है। और हम कटरा वाले भी जो है ना, पिछले 2 साल से काफ़ी सफर कर रहे हैं, लॉकडाउन के कारण हमारा पिछले साल कोल्डिंग जो है ना क्रैप हो चुका है। हम चाहते हैं कि अगर यात्रा चल रही है तो फिर करने की बात, करने भी खुली चाहिए, ताकि जहाँ आने वाले जो लाखों हज़ारों यात्री आ रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि ये यात्रा जम्मू कश्मीर के मुकाबले ये अलग तरह का स्टेशन है, यात्रा स्टेशन है, और यात्रा स्टेशन में खुली चाहिए और काफ़ी कम हो गए हैं। तो हम किसी रियासी जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो रोटी पैसे निकली है उसमें दुकानें हैं वो 5 दिन के लिए खुली चाहिए। परेशानी तो झेल रहे हैं पिछले 2 साल, क्योंकि हमारा जो कटरा का जो टोटी जो बिजनेस है वो यात्रा पर टूरिस्ट पार्ट है, तो यात्रा तो आ नहीं रही है, ऊपर से लॉकडाउन हो गया, दुकानें हमारी बंद। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkekhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।